मैं हूँ हिरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब करे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ पकोड़े, और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़े। और हमने लिए हैं बेसन 1 कप, 1-2 टेबल स्पून हमने ली है हल्दी, 1-2 टेबल स्पून हमने चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 1-2 टेबल स्पून हमने धनिया लिया है सालम, और 1-2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली है, और 1 कप हमने पानी लिया है जिससे हम अपना मिक्सचर रेडी करेंगे बेसन का। आप देख सकते हैं ये पालक के पत्ते हैं, और इनको हमने धो लिया है, धो के हमने अच्छी तरह इनको सुखा लिया है, ड्राई कर लिया है अच्छी तरह। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे बेसन में। हमने सब मसालों को बेसन में मिक्स कर लिया था, ज़ीरा, नमक, हल्दी, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया, आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं, मैंने सालम लिया है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। हमने ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है मिक्सचर, ना ज़्यादा पतला बनाना है, हमने नॉर्मल रखना है जिससे हमारे पकौड़े थोड़े से क्रिस्पी बने। हम ट्राई कर रहे हैं पकौड़ों को, और फिर हम डिश आउट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है ताकि जो हमारे पकौड़े हैं वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें पकौड़े रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी घर में बनाएं और इंजॉय करें, दुआओं में याद रखें, और अच्छे से रमज़ान गुजारें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।